ये क्या कर रहे हैं आप? चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ मैं बात करूंगा, प्लीज। मुझे चुप कराने के लिए आपने ये सब किया? क्या प्रूव करना चाहते हैं आप? कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी, इसलिए आप मेरे साथ ये सब कर सकते हैं? नहीं प्रिया, प्लीज मिस्टर कपूर, जस्ट बिकॉज मैं आपसे प्यार करती हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप भी मुझसे प्यार करें। ये सच्चाई मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। एंड ट्रस्ट मी, आई एम टोटली फाइन विद किसी भी रिश्ते में पहले दिल का जुड़ना जरूरी होता है मिस्टर कपूर। और अगर हमारे दिल ही एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं तो फिर ये सब इसका क्या मतलब है? नहीं प्रिया, तुम बहुत गलत। प्लीज, मुझे आपका कोई फेवर, कोई एहसान नहीं चाहिए मिस्टर कपूर, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं और आपसे प्यार करती हूँ। आपको पति बनकर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके फर्ज और जिम्मेदारी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है मिस्टर कपूर। आइंदा आप अगर मुझे छूना चाहें ना तो इसलिए मत छूएगा कि मेरे अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बल्कि इसलिए छूएगा कि आप मुझे सच में प्यार करते हैं। और अगर आपके दिल में मेरे लिए ये जज्बात नहीं है, जस्ट लीव, जस्ट लेट इट बी। रुको तुम। हाँ ये बात सच है कि मैंने किस किया तुम्हें तुम्हें चुप करने के लिए, लेकिन और क्या करता मैं? बोले जा रही थी, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही थी। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूं तो तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं। आखिर ऐसी कौन सी गलती कर ली है मैंने जिसकी वजह से तुम इतना गुस्सा हो, गुस्से से भरी हुई हो तुम, इसकी वजह से तुम्हारी आंखें बंद हो गई? अपनी आंखें खोलो प्रिया और देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। जिस राम कपूर से तुमने शादी की थी, आज मैं वो राम कपूर हूं ही नहीं। ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने अपने आप को बदल दिया है तुम्हारी वजह से। टैबलेट्स मैंने अपनी जिंदगी से निकालती है तुम्हारी वजह से। आज नंगे पैर घास पे चलने का मजा जानता हूं मैं तुम्हारी वजह से। सड़क का नींबू पानी पीने के लिए तैयार हूं तुम्हारी वजह से। अनहेल्दी खाना बंद करके हेल्दी खाना खाने के लिए तैयार हूं तुम्हारी वजह से। क्यों? एक 40 साल का स्टबन पंजाबी आदमी अपनी छोटी सी छोटी आदत बदलने के लिए तैयार है तुम्हारी वजह से। फॉर गॉड सेक्स, जस्ट ओपन योर आईज। जब तुम पार्टी से निकली थी तुम्हें क्या लगा कि मैं पार्टी में था, एंजॉय कर रहा था? तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी निकला, सारी रात मैं गाड़ी में था, घर के बाहर तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आई वॉन्टेड फॉर यू टू कॉल मी, खुद भी फोन करना चाहा, बट ईगो की वजह से नहीं किया मैंने। यस यू आर राइट, आई डू हैव अ बिग ईगो एंड यस आई एम स्केर्ड। हाँ मैं डरता हूं, मैं बहुत बहुत डरता हूं, लेकिन कैसे नहीं डरूं? जो कुछ हो रहा है मेरे साथ पहली बार हो रहा है। मैं इतना बदल गया हूं कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ऑब्वियसली डर लगेगा मुझे, रिजेक्शन का डर लगता है, हारने का डर लगता है। सारी जिंदगी सिर्फ जीता हूं मैं, लेकिन अब डर लगता है क्योंकि आज पहली बार मेरी जिंदगी में कोई है जिसे मैं हारना नहीं चाहता। पार्टी में जब तुम दूसरे नंबर से बात कर रही थी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई, पोसेसिवनेस नहीं जानता मैं, लेकिन हो रहा है मेरे साथ। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखता हूं। आई डोंट नो व्हाई, क्यों हो रहा है ये सब मैं नहीं जानता। आई स्वर टू गॉड नहीं जानता, लेकिन इतना बदल गया हूं, आखिर क्यों? प्रिया मत जाओ प्लीज, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर। आई लव यू प्रिया। प्रिया उठिए, उठिए वरना घुटनों में दर्द हो जाएगा। उठ के यहाँ बैठिए। क्या कहा अभी अभी आपने?
I love you. हाँ? थोड़ा तेज बोले, सुनाई नहीं दिया मुझे. I love you. अरे अभी तो इतनी तेज तेज बातें कर रहे थे, अब मैं कह रही हूँ तेज बोलने को तो बोल नहीं रहे. I love you. You. मजा ले रही हूँ. क्या क्या नींद आ रही? ऑब्वियसली ना मिस्टर कपूर, कल रात को उस पार्टी और झगड़े की वजह से नहीं सो पाए, फिर आज पूरा दिन नताशा और आयशा के फैशन शो में बीत गया. बहुत थकी, नींद तो आएगी ही ना. चलिए सो जाते. सो जाते हैं मतलब? सो जाते हैं मतलब सो जाते हैं. अरे लेकिन क्या अभी भी कुछ कहना सुनना बाकी रह गया क्या? नहीं लेकिन मेरा मतलब क्या मिस्टर कपूर, मुझे आपसे आई लव यू कहना था, मैंने कह दिया. आपको मुझसे आई लव यू कहना था, आपने भी कह दिया. अब जब हम दोनों के बीच में कुछ भी कहने सुनने को रह ही नहीं गया तो हमें सो ही जाना चाहिए ना. तो अब हम सो जाएंगे रोज की तरह? हाँ और क्या. वैसे भी कल होली है ना, तो बहुत सारा काम होगा, इतने सारे गेस्ट आएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें आयशा और नताशा के झगड़े को भी तो सॉल्व करना है ना. कहाँ फुर्सत मिलेगी एक भी मिनट, इसलिए अब हमें सो ही जाना चाहिए. एक मिनट, आज तुम यहाँ बिस्तर में सोगी? हाँ क्यों. तो मैं कहाँ? तुम ठीक है, मैं आज सोफे में सो जाता. सही कह रही हो तुम. क्या मतलब? हाँ वाकई में हमें सो जाना चाहिए. You're right, कल इतने सारे काम है, जल्दी उठना है वगैरह वगैरह, है ना. आप सच्ची में सो रहे हैं? हाँ वो जैसे तुमने कहा वो बचा ही नहीं है ना, तो you're right as always. तो गुड नाइट. गुड नाइट. पर भी इंसिस्ट नहीं किया सोने को, तो जाके सो गए. खोलू के खोले. प्रिया जी, वो तुम्हारे ब्लाउज का हुक खुला है. नहीं तो खुला है. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.